Hello friends, I am Sanjay Gupta and I welcome you again on Sanjay Gupta Tech School. So this is lecture number 4 and is lecture mein jo topic hum discuss karenge wo hai operators and operator explain karne ke saath saath main aapko examples bhi bataunga ki hum operator kaise use karte hain and pichle video mein humne dekha tha ki data types kya hote hain aur unko kaise use karte hain to maine aapko ek example bhi bataya tha. अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है और आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देखना चाहते हैं ताकि आप ये पूरी जो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो सीरीज हिंदी में मैंने बनाई है उसको पूरा कवर कर पाएं तो उसके लिए मैंने इस वीडियो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी वीडियोज है चाहे वो हिंदी में या इंग्लिश में उन सब के प्लेलिस्ट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं तो आप वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को ओपन करें और उसमें आपको सारे वीडियोस एक के बाद एक ऑर्डर में अरेंज्ड मिल जाएंगे. तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. एक और इंफॉर्मेशन उससे पहले कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं या कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करने के साथ साथ आप ये मेरी ईमेल और व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन इनको भी यूज कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आप. सो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड फिर एक एक सिंबल का एग्जांपल मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ पाए. सो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. तो एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन. तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं. तो आपके सामने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आपने मैथ्स में लिखे होंगे. तो प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर हम इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन. तो अब इस एक्सप्रेशन में हमने दो सिंबल यूज किए हैं, एक है इक्वल्स टू और दूसरा है प्लस. तो नीचे अगर हम देखें तो लिखा है हेयर इक्वल्स टू एंड प्लस आर ऑपरेटर्स एंड ए बी सी आर ऑपरेंड्स. ठीक है, तो अब ए बी सी ऑपरेंड्स हैं तो ऑपरेंड वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है. तो ये जो एक्सप्रेशन अब यहाँ लिखा हुआ है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये आप हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखें सी इक्वल्स टू ए प्लस फाइव. तो अब देखो यहाँ पर a और 5 ये दोनों ऑपरेंड्स हैं बट a एक वेरिएबल की तरह काम में आएगा और 5 एक कॉन्स्टेंट की तरह काम में आएगा. तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ए बी सी है वो तो ऑपरेंड्स हैं और इक्वल्स टू एंड प्लस आर ऑपरेटर्स. तो डेफिनेशन में आपने देखा कि लिखा हुआ है ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हम पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमें फर्दर कहाँ पे असाइन करना है सी वेरिएबल पे. ठीक है, तो ये छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑपरेटर के बारे में. तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हम जो भी सिंबल यूज करेंगे वो बेसिकली एक ऑपरेटर होगा और प्रोग्रामिंग में हर ऑपरेटर का एक यूनिक मीनिंग होता है तो हमें उनको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा. उससे पहले हमें टाइप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. तो अब हम जो टाइप यहाँ पर देख रहे हैं वो है बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स. तो ऑपरेंड मैंने आपको बताया था एबीसी, इट मींस लाइक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स. तो अगर एक ऑपरेटर है और एक ही ऑपरेंड है तो वो ऑपरेटर क्या बन जाएगा, यूनरी ऑपरेटर. ठीक है, तो अगर आपने वन ऑपरेंड और वन ऑपरेटर यूज किया इट मींस दैट इज यूनरी ऑपरेटर. अगर आपने दो ऑपरेंड यूज किया और एक ऑपरेटर यूज किया तो वो बाइनरी ऑपरेटर हो जाएगा. और अगर आपने थ्री ऑपरेंड्स यूज किए एंड टू ऑपरेटर्स यूज किए तो वो टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं. जैसे यहाँ प्लस है, प्लस के लेफ्ट में एक वेरिएबल है और राइट में एक कॉन्स्टेंट है तो ये बाइनरी हुआ. ठीक है, अब ऐसा मत समझना कि अगर हमने ये लिखा है तो ये टर्नरी हुआ, ऐसा नहीं है. एक बार में हम एक ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे तो एक ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या कितने ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पर वो डिसाइड होगा कि वो बाइनरी है, टर्नरी है या यूनरी है. तो प्लस को इवेल्युएट करने के लिए ए और बी की रिक्वायरमेंट है, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ ऐड होगा. इट मींस यहाँ पर हमने दो बार प्लस यूज किया है तो वो दो बाइनरी ऑपरेटर्स. तो इसको ऐसा मत समझना कि ये टर्नरी है. ठीक है,
तो अब आप सोच रहे होंगे कि टर्नरी कौन सा होता है और यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, तो अभी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, तो ये है यूनरी, क्योंकि यहाँ पर हमने ए एक वेरिएबल यूज किया है और प्लस प्लस कंबाइनली एक ऑपरेटर है, ठीक है। अभी डिटेल में जब हम आगे देखेंगे तो आपको इसका यूज भी समझ में आ जाएगा। और आगे जाकर हम एक और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ये एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री, तो ये तीन तो हो गए ऑपरेंड, और क्वेश्चन मार्क एंड कोलन ये हो जाएंगे ऑपरेटर, और ये सब कुछ एक साथ इवेलुएट होगा, तो ये हो जाएगा टर्नरी, ठीक। तो अभी आपके बेसिक बिगिनर पॉइंट पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने ये बताया, बट आगे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का एक माइंडसेट बन गया है कि अगर एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट है तो यूनरी, दो है तो बाइनरी, और तीन है तो टर्नरी, ठीक है। अब ये है ऑपरेशंस के बेसिस पर टाइप्स। तो अभी आपको मैंने प्लस प्लस बताया था, वो देखो फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है। मैंने आपको क्वेश्चन मार्क एंड कोलन बताया था, वो सिक्स नंबर पे लिखा हुआ है। तो ये यूनरी और टर्नरी की कैटेगरी में आते हैं, बाकी मोस्टली बाइनरी की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम एक एक को पिक करेंगे और सारे स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटर्स का यूज समझेंगे। तो पहला हम लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें पांच सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपको इनका यूज समझ में आ जाएगा। तो मैंने लिखा int a b c, ठीक है, a में है 5 और b में है 3, ठीक। अब हम लिख सकते हैं c equals to a plus b, तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। हम लिख सकते हैं c equals to a minus b, ये भी बहुत इजी है, जो कि आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी यूज करते हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनका रिजल्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, sum equals to percent d c, then यहाँ पर फिर से c में नई वैल्यू आएगी, तो आप फिर से लिख सकते हैं प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू परसेंट डी सी, फिर लिखा c equals to a multiply b, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा तो उसको प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड, c equals to a divide b, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो डिवाइड है वो क्या निकालेगा, quotient value, quotient का मतलब होता है रिजल्ट, और यहां पर हम इंटीजर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, इट मींस a और b में जो वैल्यू है उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर बनेगा और वो c वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो a में है 5, b में है 3, तो 5 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वो वन टाइम डिवाइड होगा, बट अगर मैथमेटिकली देखें तो 1. समथिंग आता है, बट प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपके वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, इट मींस सी क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो आप आउटपुट चेक कर सकते हैं, तो डिवाइड इक्वल्स टू परसेंट डी कॉमा सी, तो जो डिवाइड है वो 1 प्रिंट करेगा, देन लास्ट इज ए, देन परसेंट बी। अब ये जो परसेंट सिंबल है ये प्रोग्रामिंग में नया है, और ये क्या कैलकुलेट करता है, रिमाइंडर वैल्यू, एंड इसका नेम होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जब भी आप देखें परसेंट सिंबल तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको हम शॉर्ट में मॉड ऑपरेटर भी बोलते हैं, एमओडी, और इसका काम क्या होता है कि ये रिमाइंडर वैल्यू निकालता है। तो जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो हम पॉइंट वहां पर बोरो नहीं करेंगे, तो कुछ वैल्यू रिमेनिंग बचेगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 5 और 3 का, तो मैं पेंट ओपन करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ड्रॉ करते हैं अपन, मुझे 5 को डिवाइड करना है, तो ये मैंने यहाँ लिखा 5, मुझे उसको डिवाइड करना है 3 से, तो वो एक बार डिवाइड होगा, यहां पर मैंने लिखा 3 और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 2। तो अब ये जो 1 है ये तो मिला एज अ कोशेंट,
ठीक है, और ये जो टू यहां पर है ये मिला एज अ रिमाइंडर। ठीक, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या सिंबल यूज करेंगे, हमेशा परसेंट सिंबल। तो जब भी परसेंट यूज करेंगे इट मींस आपको क्या मिलेगी, ये रिमाइंडर वैल्यू। और जब भी आप डिवाइड वाला साइन यूज करेंगे तो डिवाइड आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये कोशेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कोई डिविजन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो अपने पास में दो रिजल्ट आते हैं, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। तो जो कोशेंट है वो तो आपको इस डिवाइड से मिल जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपको इससे मिल जाएगा। तो इट मींस यहाँ पर सी एज अ रिमाइंडर क्या प्रिंट करेगा, टू। तो उसको भी प्रिंट कराकर देखते हैं। तो हमने लिखा मॉड इक्वल्स टू परसेंट डी एंड सी, एंड हर बार आप देख रहे हैं सी की वैल्यू मॉडिफाई हो रही है बट ए और बी में वैल्यू फिक्स्ड है, वो हमने चेंज नहीं। तब इसको सेव किया, कंपाइल और रन किया। अब आप देखिए आउटपुट, हमने a प्लस भी लिखा तो 5 + 3 = 8, तो सम 8 प्रिंट हुआ। सब्ट्रैक्शन 5 - 3 तो 2 प्रिंट हुआ। मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 = 15। डिवीजन, तो डिवीजन में जैसा मैंने आपको अभी बताया था पेंट के अंदर, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है, आप देख सकते हैं डिवाइड प्रिंट कर रहा है 1 और मॉड्यूलस प्रिंट कर रहा है 2। तो इस तरीके से आप इन पांचों सिंबल्स को प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पिक करते हैं दूसरी कैटेगरी, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में ये 6 सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इनको कैसे यूज करेंगे, मैथ्स में आपने इनको यूज किया हुआ है बट यहाँ पर थोड़े से और सिंबल्स हमें अवेलेबल करवाए गए हैं। तो मैं कमेंट में इनको मेंशन करता हूँ। लेस देन आपने यूज किया हुआ है, ग्रेटर देन आपने यूज किया हुआ है, आपने लेस देन इक्वल्स टू यूज किया हुआ है, आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू यूज किया हुआ है। अब कंपेयर करना है, दो एंटिटीज को कंपेयर करना है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो इक्वल है उसके लिए डबल इक्वल्स टू, अनइक्वल है उसके लिए हम यूज करते हैं नॉट। तो मैंने कमेंट की हेल्प से इनको यहाँ मेंशन किया। अब देखो अपने पास में दो वेरिएबल है ए और बी और हमें कंपैरिजन अप्लाई करना है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक कीवर्ड यूज करेंगे इफ, और उसको इस तरीके से लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पर प्रिंट कर सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये इफ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि इफ बेसिकली कंडीशन टेस्टिंग के काम आता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और जब भी कंडीशन चेक करना हो कंपैरिजन के पर्पस से तो आपको इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ता है। तो अभी देखो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट नहीं होगा। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूं। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, इट मींस कंडीशन ट्रू। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ग्रेटर देन साइन यहाँ पर यूज किया। तो अब सिमिलरली आप लेस देन भी यूज कर सकते हैं, आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, आप लेस देन इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं, आप डबल इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हैं और नॉट इक्वल्स टू भी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी वैल्यू सेम कर देता हूं, मैसेज को मॉडिफाई किया और यहाँ पर a डबल इक्वल्स टू b लिख दिया। अब इसको सेव करके रन करेंगे तो ये आपको बताएगा a इज इक्वल्स टू b। तो हमेशा ध्यान रखो प्रोग्रामिंग में जब दो एंटिटीज को कंपेयर करना है तो आपको कौन सा साइन यूज करना है, डबल इक्वल्स टू। और आपको चेक करना है कि दोनों इक्वल नहीं है और फिर कुछ वैल्यू प्रिंट हो तो आप ये लिख सकते हैं a नॉट इक्वल्स टू b। तो ये जो साइन है ये बिल्कुल ही नया है आपके लिए, तो इसको बोलेंगे नॉट इक्वल्स टू। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक, तो जब भी कंपैरिजन करना होगा तब हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करें। तो ये सेकंड कैटेगरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी पर। थर्ड कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज कर रहे हैं 3 सिंबल। तो पहले जानते हैं कि इनको बोलते क्या क्या है।
तो देखो कमेंट के अंदर ही लिखते हैं, ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे एंड, ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे और ये जो सिंबल है इसको बोलेंगे नॉट। ये मैंने कमेंट में यहां मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एंड और नॉट ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आपने ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा होगा, आपने ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ा होगा। ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि अगर दो एंटिटीज का रिजल्ट ट्रू है तो एंड के केस में रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो वो टेबल यहां बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होगा कंडीशन वन, कंडीशन टू, फिर एंड के केस में क्या होता है और के केस में क्या होता है। तो अगर कंडीशन वन ट्रू है, अब देखो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो का मतलब होता है फॉल्स और नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू। प्रोग्रामिंग में अगर जीरो किसी भी एंटिटी का रिजल्ट है तो वो फॉल्स माना जाएगा, और नॉन जीरो है तो उसको हम कंसिडर करेंगे ट्रू। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि कंडीशन वन जीरो मतलब फॉल्स, कंडीशन टू भी जीरो मतलब फॉल्स, तो एंड भी फॉल्स होगा और भी फॉल्स। अगर कंडीशन वन फॉल्स और कंडीशन वन ट्रू है तो एंड फॉल्स होगा और के केस में रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। वो स्वैप कर देते हैं, अगर कंडीशन वन ट्रू है और कंडीशन टू फॉल्स है तो एंड के केस में फॉल्स ही रहेगा और के केस में ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो यहां पर दोनों के केस में रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही एंड ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं एंड सिर्फ एक ही केस में ट्रू हो रहा है, जबकि और कब ट्रू होगा, जब एटलीस्ट एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो और ट्रू रिजल्ट देगा, और अगर दोनों या और दो से ज्यादा कंडीशन हैं वो सारी के सारी फॉल्स हैं तो और फॉल्स हो जाए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये इफ कंडीशन बताया था, इसी को आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन टू और मुझे चेक करना है बी ग्रेटर देन वन, मेरे पास में दो सिनेरियोज हैं, तो इस तरीके से आप एंड को यूज करेंगे। जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस को जॉइन करना है तब आप लॉजिकल एंड या लॉजिकल और को यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको नीचे बता ही दिया कि कंडीशन वन ट्रू या फॉल्स या कंडीशन टू ट्रू या फॉल्स है, तो उसके बेस पर आपको ये ट्रुथ टेबल को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ए ग्रेटर देन टू, ए टू से बड़ा है एंड बी वन से बड़ा है, क्योंकि ए में फाइव है और बी में थ्री है तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। इट मीन्स ये जो ट्रू पार्ट में जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने लिख दिया ट्रू, ट्रू ही प्रिंट करा देते हैं। तो इस तरीके से दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर एंड लिखा, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैं इसको सेव करके रन करके बताता हूं। देखो यहाँ ट्रू प्रिंट हुआ। अब मैं कोई भी एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूं, मैंने यहां लिख दिया वन, तो वन ग्रेटर देन वन ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, बट फर्स्ट वाली ट्रू है, बट फिर भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है और एंड क्या कहता है, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आउटपुट प्रिंट हो जाना चाहिए, तो आप एंड के प्लेस पर क्या यूज कर लेंगे और। तो अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है, सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स है, बट फिर भी ये आउटपुट आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखो ट्रू यहां प्रिंट हो रहा है, तो इट मींस अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो कंडीशंस का रिजल्ट दोनों का ट्रू है तो एंड के किस में ट्रू हो जाएगा, बट अगर आपने लॉजिकल और यूज किया हुआ है तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो भी रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको टेबल की हेल्प से। इसको हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और जब भी एक से ज्यादा कंडीशंस टेस्ट करनी होंगी तो आपको कभी ना कभी एंड या और को यूज करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नॉट। तो अब नॉट का ट्रुथ टेबल से कोई लेने देना नहीं है, इसको हम सिंपली कंडीशन का रिजल्ट चेंज करने के लिए यूज करते हैं।
तो अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना देता है, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो ये उसको ट्रू बना देता है। और उसको यहां शुरू में लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखो a ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू है, हमने नॉट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। तो स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स बन जाएगी, देखो। और अगर कंडीशन को फॉल्स बना देते हैं, हमने लिखा a ग्रेटर देन 6, तो क्या 5 6 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स। बट हमने आगे नॉट लिखा हुआ है तो नॉट क्या करेगा, उस फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो स्क्रीन पर आउटपुट शो हो जाएगा, क्योंकि अब अपनी इफ कंडीशन ट्रू हो चुकी है और ट्रू स्क्रीन पर प्रिंट हो। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों जो ऑपरेटर्स हैं उनके एग्जांपल बताए, तो इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो। ये टेबल आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि जीरो मतलब फॉल्स और नॉन जीरो मतलब ट्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस है, इनका यूज देखेंगे अब। तो देखो प्लस प्लस और माइनस माइनस को पहले समझ लेते हैं। तो अगेन मैं कमेंट की हेल्प से इसको समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जब आप प्लस प्लस यूज करेंगे तो इसका मतलब बेसिकली ऐसे होगा, या तो आप ए प्लस प्लस लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे प्लस प्लस, दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। और इसका मीनिंग क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल में वन ऐड करना है या वन सब्ट्रैक्ट करना है तो आप प्लस प्लस या माइनस माइनस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका पहला यूज, कि हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को वन से इंक्रीज करना है या वन से डिक्रीज करना है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, दो तरीके से लिखा, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस है। तो एक होता है प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसमें आ जाएगा प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए, और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसमें आ जाएगा ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। तो अगर हमने प्लस प्लस या माइनस माइनस को वेरिएबल के पहले लिखा है तो वो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, अगर हमने प्लस प्लस माइनस माइनस को वेरिएबल के बाद में लिखा है तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक। तो अब आप कहेंगे कि इनको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी, तो अभी कर देते हैं उसको भी सॉल्व। तो अब हमने लिखा ए फाइव और बी, ठीक है। अब मैं पहले आपको समझा रहा हूं प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्या समझ रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, ए में फाइव है और बी में कुछ भी नहीं है, तो मैंने लिखा बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। तो अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, कि ए पहले इंक्रीज हो जाएगा तो ए की वैल्यू हो गई 6, और वो 6 फिर किस में असाइन हो जाएगा, बी वेरिएबल में। तो अब अगर मैं लिखूं प्रिंट एफ परसेंट डी बैक स्लैश एन ए इक्वल्स टू परसेंट डी बी इक्वल्स टू परसेंट डी एंड मैंने लिखा ए कॉमा बी, तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ए और बी की वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो देखो ए 5 था, बट जैसा मैंने बोला प्री इंक्रीमेंट, कि पहले वेरिएबल को इंक्रीज करो और फिर उसकी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करो, तो ए हो गया 6 और बी में भी क्या चला गया 6। तो इसको रन करके देख लेते हैं, तो देखो ए भी 6 है और बी भी 6 है, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, बी इक्वल्स टू माइनस माइनस ए। तो अब देखो लेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए बी दोनों की है 6 6, फिर हमने लिखा माइनस माइनस ए, तो ए में करंट वैल्यू है 6। अब माइनस माइनस ए का मतलब क्या हुआ, कि जो 6 है वो क्या हो जाएगा 5, और वो फिर किस में असाइन हो जाएगा, बी वेरिएबल में, तो बी भी क्या हो गया 5। तो अगर फिर से यहां इनको प्रिंट करवा दें तो देखो अब पहला जो आउटपुट प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 6 6, फिर हमने माइनस माइनस अप्लाई किया तो ए हो जाएगा 5, तो 5 ही बी में असाइन होगा, तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा 5 5। तो अब इसको रन करते हैं, तो देखो पहले दोनों प्रिंट कर रहे हैं 6 6 और फिर दोनों प्रिंट कर रहे हैं 5 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई होता है एंड देन वो फिर जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाए, ठीक। तो अब आपको प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस, इसको मॉडिफाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस। तो अब ध्यान से सुनिएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, ए पहले इंक्रीज नहीं होगा, ए पहले अपनी वैल्यू किसको असाइन करवा देगा, बी को। तो अब देखो ए की करंट वैल्यू क्या है, 5, वो किसमें चला जाएगा, बी में। तो बी की वैल्यू हो गई 5, ए में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ए ने अपनी वैल्यू दे दी बी को। जब वैल्यू बी को असाइन करके अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिंट एफ पर, तब ए अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। तो ए ने अपनी वैल्यू इंक्रीज करे बिना बी को दे दी, और फिर जब अगली लाइन में पहुंचे तो ए ने अपने आप को इंक्रीज कर लिया, तो क्या बी इंक्रीज होगा, नहीं, बी रहेगा 5 और ए हो जाएगा 6। तो अभी मैं आपको सिर्फ इन दोनों को ही प्रिंट करके बताऊंगा। तो मैंने यहां पे बताया कि ए अपनी वैल्यू बी को दे रहा है, तो ए ने अपनी वैल्यू बी को दी तो बी हो गया 5, और अगली लाइन में पहुंचने के बाद ए अपने आप को इंक्रीज करेगा तो ए हो जाएगा 6। तो इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। तो देखो ए तो है 6 और बी क्या रह गया, 5। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि हमने अपने ए जो वेरिएबल की वैल्यू, करंट वैल्यू थी, वो बी को दे दी और फिर बाद में उसको इंक्रीज करवाया। जबकि प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ था, ए पहले खुद को इंक्रीज कर रहा था और फिर वो बी को अपनी वैल्यू असाइन कर। अब मैं कमेंट हटा रहा हूं। तो अब देखो इस पोजीशन तक ए है 6 और बी है 5। तो अब इन वैल्यूज को हमें आगे यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो ए कितना है, 6। तो पहले 6 किस में असाइन हो जाएगा, बी के अंदर। तो अब बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की लेटेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, ठीक है। और ए भी 6 है, बट आफ्टर असाइनिंग ऑफ द वैल्यू ए अपने आप को डिक्रीज कर लेगा, तो ए क्या हो जाएगा, 5। तो पहला आउटपुट आएगा ए 6 बी 5, दूसरा आउटपुट आएगा ए 5 बी 6। तो इनको मैं यहां से हटाकर कमेंट में लिख देता हूं ताकि अपने को ध्यान भी रहेगा। तो पहला आउटपुट आएगा ए 6 बी 5, दूसरा आउटपुट आएगा ए 5 बी 6। सेव किया, इसको रन करते हैं। तो मैच कर लीजिए, ए 6 बी 5 और दूसरा आउटपुट है ए 5 बी 6। तो इस तरीके से जब आप प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल खुद को इंक्रीज करके दूसरे वेरिएबल में असाइन करेगा, और पोस्ट के केस में वो पहले अपनी वैल्यू असाइन कर देगा और उसके बाद खुद को इंक्रीज कर लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये बहुत सिंपल है। तो इक्वल्स टू तो हम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। अब हमें देखना है प्लस इक्वल्स टू। तो अगर मैं लिखता हूं a प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू a प्लस 10। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो आप उसके प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 10। तो अगर हम a की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाएं, तो ए में इनिशियली था 5, अभी क्या प्रिंट होना चाहिए, 15। तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने कुछ गलती की, मेन को क्लोज ही नहीं किया। तो अब फिर से रन किया, तो आप देखेंगे ए क्या प्रिंट हो रहा है, 15। तो इस तरीके से जब आपको ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 को शॉर्ट में लिखना है तो आप उसको ये लिख सकते हैं। सिमिलरली आप माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, किसी को भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें, यहां पर जो इक्वल्स टू के बाद वेरिएबल और पहले वेरिएबल है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप बाकी को भी यूज कर पाएंगे इसी तरीके से। और नॉर्मली हम इनको यूज नहीं करते क्योंकि बहुत छोटा सा चेंज आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये भी अवेलेबल है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। तो अब अपन देखते हैं कि हमें दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करना है। तो मैंने इफ के थ्रू कंपेयर करना बताया था, अब हम कंपेयर करेंगे इन वेरिएबल्स के थ्रू, सॉरी इन ऑपरेटर्स के थ्रू। तो
तो मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा प्रिंट एफ इज मैक्स, फिर लिखा कोलन प्रिंट एफ इज मैक्स। ठीक है, तो अब देखो ये है अपना ऑपरेंड वन या कंडीशन वन या एक्सप्रेशन वन, फिर आ गया ऑपरेटर सिंबल क्वेश्चन मार्क, फिर आ गया एक्सप्रेशन टू, फिर आ गया ऑपरेटर कोलन, और फिर आ गया एक्सप्रेशन थ्री। तो इट मींस पहली वाली है कंडीशन, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा। इस तरीके से इसको यूज कर, तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो अभी ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा ए इज मैक्स, और अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, मैंने इसको लिख दिया 13 और फिर अपन इसको चलाते हैं, तो अब ये प्रिंट करेगा बी इज मैक्स। तो इस तरीके से अगर आपको तीन एक्सप्रेशंस को एक साथ हैंडल करना है तो हम क्वेश्चन मार्क एंड कोलन को यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये एक टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें तीन ऑपरेंड है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला जो ऑपरेंड होगा वो हमेशा एक कंडीशन होगी, दूसरा जो ऑपरेंड होगा वो हमेशा ट्रू पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो तीसरा ऑपरेंड है वो हमेशा फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो ये था अपना लास्ट ऑपरेटर। उसके बाद ये दो चीजें और हैं जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, तो इनको थियोरेटिकली बता देता हूं जो आपको पता होने चाहिए। तो ईच ऑपरेटर इन सी हैज इट्स प्रायोरिटी और रैंक व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन एन एक्सप्रेशन, देन दे आर इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रीडिफाइंड रैंक, दिस इज नोन एज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए और कौन सा बाद में, तो इसकी टेबल है, आप नेट पर जब सर्च करेंगे कि प्रेसिडेंस टेबल ऑफ सी ऑपरेटर्स, तो वो टेबल आ जाएगी, उससे आपको रैंक पता चलेगी कि कौन पहले सॉल्व होता है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन में हम बहुत सारे सिंबल यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल पहले सॉल्व होता है। और उसी टेबल में आपको एक और चीज मिलेगी, एसोसिएटिविटी। तो ये बोल रहा है कि एन एक्सप्रेशन कैन हैव मोर देन वन ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, इन सच केसेस दे आर इवैल्यूएटेड ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो जब आप प्रेसिडेंस टेबल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों अवेलेबल हो जाएंगी, तो उसको देखिए। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताया, ऑपरेटर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करके बताए। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आया होगा। एंड पूरी वीडियो सीरीज को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक देखिए, तो आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मुझसे कम्युनिकेट करना है या ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवानी है तो आप ईमेल और व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।